तो साथ हम बात करेंगे जी ग्राफिंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आपके पास एक पूरा सिस्टम गिवन हो इन का लीनियर इनक्वालिटी का ठीक है तो आप उसको किस तरह से ग्राफ कर सकते हैं लीनियर हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स वाई की जो डिग्री है वो क्या है वन है अब इस तरह का सिस्टम कब गिवन होता है ये बेसिकली एक ही रीजन को जाहिर कर होगा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रीजन है या मैं अभी रफली आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है ये मेरे पास एक्स एक्सिस है ठीक है तो अगर आपका रीजन इस तरह से है कि जो इस लाइन ठीक है ये चले इस लाएन, इस लाएन और इस लाइन 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 और के अंदर करता है यानी ये रीजन अगर सॉल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ ये रीजन हो तो आप देखें इसके लिए आपके पास तीन इन सही होंगी आपको तीन इन सही होंगी तो बेसिक दरअसल ये तीनों इन एक ही रीजन के लिए अप्लाई की गई हैं इसलिए हम सिर्फ वो पॉइंट्स लेंगे वो ऑर्डर पेयर्स या वो पॉइंट के ऊपर मुश्तमिल होंगे ये ये रीजन जिन जो वो पॉइंट जो कि इन तीनों को ही सेटिस्फाई करते हैं पॉइंट 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 वो point, अगर कोई यहां पे कर है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा इसको भी करेगा और इसको भी करेगा ठीक है अभी हम देखते हैं जी हम किसको इनको किस तरह से ग्राफ कर सकते हैं अब जाहिर है अगर आपने इसको ग्राफ करना है तो हर इक्वेजन के लिए आपके पास जो गिवन इनक्वलिटीज हैं जो दी गई इनक्वलिटीज हैं इनके लिए हमारे पास एसोसिएटेड uh, इक्वेजन होनी चाहिए चूंकि देखें ये जो इन इक्वालिटी है वो एक रीजन को जाहिर करती है तो जैसे हमने पहले बात की रीजन के लिए हम क्या करते हैं कि एक बाउंड्री लाइन ज़ाहिर है कोई भी रीजन होगा जब वो कोई रीजन है तो उसकी कोई बाउंड्री लाइन होगी अब बाउंड्री लाइन को डिफाइन करने के लिए हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो एसोसिएटेड इक्वेजन लिख लेते हैं जी एसोसिएटेड एसोसिएटेड इक्वेजन ठीक है वन की भी टू की भी और थ्री की भी इक्वेजन्स अब एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या हैं जैसे फर्स्ट है तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है 2x एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल जो लेसर देन का साइन है वो खत्म हो जाएगा इज इक्वल टू टेन चूंकि इज इक्वल टू के ऊपर आपके पास एक लाइन जो अगर इसको ग्राफ करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अब इस पे भी क्या आएगी एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से एक्स प्लस वाई इस पे भी क्या आएगी एक स्ट्रेट लाइन आएगी ठीक है अब हम देखते हैं कि अगर हमने ये सोशोरिटी इक्वेजन हमने ड्रा कर ली मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करता हूँ अब मुझे ज़ाहिर है इसको अगर मैंने मुझे ग्राफ करना है तो मुझे ग्राफ पेपर भी चाहिए तो यहाँ से मैं ग्राफ पेपर लेके आता हूँ जी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सोशियरटी इक्वेजन की लाइन को इस सोशरिटी इक्वेजन को ड्रा करते हैं मिसाल के तौर तो पर अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको मैं अगर मेंशन कर दूँ आई मीन यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है ये एक्स एक्सिस है ये आपके पास वाई एक्सिस है ठीक है ये आपके पास माइनस एक्स एक्सिस है और ये आपके पास माइनस वाई एक्सेस है ठीक है अब और ये आपके पास ओरिजिन है अब इस पूरे ग्राफ के अंदर हमने सबसे पहले हमें ऑर्डर पेज चाहिए जिनकी जिनको देखते हुए हम आ, लाइन ड्रॉ करेंगे फर्ज करें जी सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड लाइन का ग्राफ ड्रा करते हैं टू एक्स प्लस फाइव आई जीरो अब इसके लिए जाहिर आपको ऑर्डर पेज चाहिए ऑर्डर पे से मुराद की आपको एक्स की और वाई की वैल्यू मतलब एक लाइन चूंकि बहुत सारे पॉइंट से मिल बनती है तो अब ये जो एक पॉइंट होता है वो जाहिर है एपसीसा और ऑर्डिनेट की फॉर्म में होगा गया पी एक्स वाई जैसे अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें तो जाहिर है वो पी पॉइंट होगा जो कि एफसीसा और वाई और ऑर्डिनेट यानी एक्स से उसकी कोई लेंथ होगी जिसको आप एफ कहेंगे और वाई वाई से ओरिजिन से लेके वाई तक उसकी कोई लेंथ होगी जैसे ये लेंथ है ठीक है इसको कहेंगे तो इन इनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं जो कि हम पहले काफी दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं अब हम देखते हैं जी के फर्ज करें अगर मैं इस एसोसिएटेड लाइन के लिए अगर मैं एक्स जीरो रख एक्स जीरो रखूं तो वाई मेरे पास कितना आ जाएगा टेन डिवाइडेड बाई फाइव कितना बिकॉज फिर अगर ये इसको जीरो करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब फाइव वाई इज इक्वल टू टेन रह जाएगा तो वाई इज इक्ल टू टेन डिवाइडेड बाई फाइव हो जाएगा जो कि टू है इसका जब एक्स जीरो होगा तो वाई टू है तो मैं डायरेक्टली इसको प्लॉट कर देता हूँ जब एक्स जीरो है वाई टू है एक्स जीरो और वाई प्लस टू तो इसका मतलब वो ये वाला पॉइंट है मैं बल्कि डिफरेंट कलर ले लेता हूँ वो कौन सा पॉइंट है ये वाला पॉइंट है ठीक है इसी तरह से जब y जीरो कर दे अगर मैं y जीरो कर दूं तो इसका मतलब ये टर्म हो जाएगी जब आपका x फाइव होता तो हो मतलब है तो y कितना है जीरो और x फाइव तो यहाँ पे है वन टू थ्री फोर फाइव इसका मतलब फाइव तो है और y कहाँ तो पे जीरो होता है ओरिजिन पे जीरो होता है ठीक है यानी सॉरी x एक्सिस पे जीरो होता है वाई कहाँ पे जीरो होता है एक्सिस पे जीरो होता है अगर मैं इस लाइन इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं और दोनों तरफ एक्सटेंड कर दूं दोनों तरफ एक्सटेंड कर दूं तो जाहिर है ये, एस ये इस रीजन को यानी ये इसकी यानी वो उस ग्राफ की जो रीजन होगा उसकी बाउंड्री लाइन को जो है वो उसका ग्राफ है यानी उसकी बाउंड्री लाइन है इस ग्राफ की बाउंड्री लाइन है अब हमने देखना है कि ये ग्राफ जो है यानी जो इसका सोल्यूशन है रीजन जो है वो अबव द एक्सेस है या बिलो द एक्सेक्सेज है ठीक है या बल्कि हम ऐसे पहले ऐसा करते हैं कि सबकी एसोसिएटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अब इसकी भी एसोसिएटेड लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर ठीक है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वाई इसमें जीरो पुट कर दें तो एक्स कितना आ जाएगा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फोर हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा फोर बाय माइनस टू तो इसका मतलब है माइनस टू आ गया तो यहाँ पर लिखूंगा जब एक्स माइनस टू है वन और टू एक्स जब माइनस टू है तो वाई कितना है हम रखते हैं जब x माइनस टू है तो y कितना है जीरो y जीरो इसी तरह से जब एक्स जीरो कर देगा वो ये वाले इसका मतलब है इस लाइन को मैं थोड़ा सा अगर मैं इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन जो है वो बाउंड्री लाइन जाहिर करेगी सेकेंड इनइक्वालिटी की सेकेंड इनइक्वालिटी की ठीक है और मैं इसको सॉलिड ही बना रहा हूँ सॉलिड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सिर्फ लेसर नहीं है बल्कि इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू अभी लेसर और इक्वल टू है ठीक है इक्वल का भी साइन है जैसे यहां पे देखें उसके बाद है थर्ड x प्लस वाईल टू फाइव मतलब जब x जीरो तो y फाइव ठीक है और जब y जीरो तो x फाइव इसका मतलब जब x जीरो तो y फाइव जो कि पॉइंट यहां पे आता है जब x जीरो तो y फाइव और जब y जीरो तो x फाइव ठीक है तो वो पॉइंट यही आएगा और ये दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दू इन दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दो ठीक है थोड़ा सा मैं इसको यूं देखता हूं जी इस तरह से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दू ठीक है तो ये वाली बेसिक ये वाली वो लाइन है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं अब हमने देखने की सोल्यूशन सेट क्या है मतलब इसका सोल्यूशन सेट उसके लिए जाहिर है अभी हम ये नहीं बता सकते कि सोल्यूशन है क्योंकि सबसे पहले हमने ये तो हमने सिर्फ एसोसिएटेड लाइन ड्रॉ की है अब सबसे पहली बात है कि सबसे पहले एसोसिएटेड लाइन ये थी रेड वाली ठीक है बल्कि अभी जो मैंने रेड वाली ड्रॉ की इसका हम कलर चेंज कर देते हैं इसका हम आ, इंडिगो कलर कर देते हैं ठीक है ताकि वो सिर्फ हमें क्लियर हो जाए कि ये एक डिफरेंट लाइन है चले चले जैसे ये हो गया अब देखिए रेड लाइन जो तो सबसे पहले ग्राफ की लाइन है इसको अगर आप देखें तो इसका सोल्यूशन अब यानी इस लाइन से भी सिर्फ आप रेड लाइन पे फोकस करें क्या इसका जो रीजन है वो अब द लाइन है या बिलो द लाइन है लाइन से ऊपर ऊपर है या लाइन से नीचे नीचे है तो इसको टेस्ट करने के लिए हम ओरिजिन का पॉइंट टेस्ट कर लेते हैं अगर ये नीचे होगा तो इसका मतलब ओरिजिन का जो पॉइंट है ये सेटिसफाई करेगा इक्वेशन को तो अगर एक्स जीरो पुट करें और वाई जीरो पुट करें तो ये पूरी जीरो हो जाएगी तो जीरो इज लेस दें टेन ठीक है जीरो दस से छोटा होता है इसका मतलब है ये रीजन है तो मैं यहाँ पे इसको इस रीजन को इस तरह से कर देता हूँ चले रेड है तो मैं इसमें रेड ही कलर प्लॉट कर देता हूँ रेड लाइन लगा देता हूँ इस रीजन की बात करे ये सारा रीजन जो है वो फर्स्ट लाइन के सोल्यूशन सेट में आता है फर्स्ट लाइन के सोल्यूशन सेट में आ जाएगा तमाम पॉइंट ठीक है अच्छा इसका तो हो गया उसके बाद है सेकेंड सेकेंड जो है जो कि वाइट कलर की इज लेस इक्वल टू अब यह वो लाइन है वाइट अब क्या इसके राइट right साइड पे लेफ्ट साइड पे है मतलब ये रीजन है जो जहां पे मेरा कर्सर है या लेफ्ट वाला रीजन है इसको टेस्ट करने के लिए हम अगेन जीरो जीरो को टेस्ट करते हैं जीरो जीरो को टेस्ट करें जीरो इसमें पुट किया जीरो पुट किया तो जीरो

तो तो x क्या आ गया कि इसमें अगर आप पुट करते हैं तो जिरो प्लस जिरो 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 दे कोई भी तीनों में कॉमन ओवरलैब्ड इसलिए मैंने कहा था ये सोल्यूशन सेट नहीं होगा तो अब अगर आप देखें तो इसमें कोई भी कॉमन ओवरलैब्ड एरिया नहीं है ठीक है तो इसलिए हम इस इन सिस्टम ऑफ इन को लीनियर इक्वालिटी को लिख देंगे नो no सोल्यूशन ठीक है नो सोल्यूशन इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा